आर्ट एंड कल्चर में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और हम इस समय चैप्टर टू कर रहे हैं, दैट इज़ इंडियन कल्चर, जिसमें हम कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर। हमने आपको बताया था कि इसके कुल पांच कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पर लिखी हैं, कॉन्टीन्यूटी एंड चेंज, वेराइटी एंड यूनिटी, सेकुलर आउटलुक, यूनिवर्सलिज्म, मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअलिस्टिक। इसमें हम वेराइटी एंड यूनिटी के डाइवर्सिटी यानी कि वैरायटी वाले पक्ष को आपको समझा चुके थे और अब हम यूनिटी वाले पक्ष पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जब हमने यूनिटी वाले पक्ष पर चर्चा की तो इस पे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यूनिफाइंग फैक्टर में, दैट इज़ द आइडियाज़ एक्सचेंज्ड। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखिए, हमने आपको ये समझाया था कि डाइवर्सिटी का एक रीज़न ये भी था कि भारत के अलग अलग रीजन के लोगों के बीच में इंटरेक्शन्स होती नहीं हैं समय दर समय। उसके कारण कई बताए गए थे सिमरन, जैसे कि ट्रेवलर्स और पिलग्रिम्स एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे थे। दूसरी ओर हमने देखा था कि कई बार कोई शासक किसी क्षेत्र को जीत करके उस क्षेत्र को जोड़ देता है तो लोग भी आपस में जुड़ जाते हैं। कई बार ट्रेड एंड कॉमर्स की वजह से आप एक दूसरे क्षेत्र से जुड़ते हैं और कई बार ऐसा होता है कि आपकी सेना के लोग उस क्षेत्र में गए या उस क्षेत्र के लोगों को आप अपने सैनिक बना करके अपने क्षेत्र में ले आए। इन सभी कारणों से हो यह जाता है कि लोगों में एक्सचेंजेस होते हैं। लोग एक दूसरे का खान पान, पहनावा, भाषा, त्यौहार, उत्सव और सभी चीज़ों को ग्रहण करते हैं और देते हैं, तो उनमें परिवर्तन भी लाते हैं और उनसे परिवर्तित होते भी हैं। ये जहाँ एक रीज़न डाइवर्सिटी का था, ये एक रीज़न यूनिटी का भी बनता है, क्योंकि जब आप किसी के साथ इंटरमिंगल हुए हैं इस मैनर में तो आप बेहतर मैनर में उनके साथ को एग्जिस्ट करने के लिए रेडी भी हैं। जब आप सामने वाले के कल्चर के साथ एक अफिनिटी रखते हैं, जब वो आपके लिए पूरी तरह से स्ट्रेंजर नहीं है, आप उस भोजन को, उस पहनावे को समझते हैं और जानते हैं, थोड़ा आप में परिवर्तन उनके मुताबिक आ चुका है और थोड़ा आपने उनमें भी परिवर्तन किया, तो ये ज़्यादा सहज हो जाता है आपके लिए उनके साथ रहना, क्योंकि कुछ कॉमननेस डेवलप होनी शुरू हो जाती है। इस तरह से कंटिन्यूस इंटरमिंगलिंग होने से कॉमननेस क्रिएट होती हैं और यही कॉमन एलिमेंट हैं जो आपको यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जहाँ ये फैक्टर, ये जो फैक्टर ऑफ एक्सचेंज आइडियाज़ है, डाइवर्सिटी का आधार था, ये सिमिलर ही फैक्टर यूनिटी का आधार भी बनता है। ओके, सेकंड फैक्टर बनता है, दैट इज़ द क्लाइमेट। देखिए, क्लाइमेट के विषय में हम देखें, जहाँ एक तरफ क्लाइमेट डाइवर्सिटी का आधार बना क्योंकि अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स की अलग अलग वेदर कंडीशन हुई क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, ऐसे में लोगों के ऊपर नेचर का प्रभाव उसी तरह से रहा तो उनका कल्चर, कस्टम, मैनर भी फिर उसी सेंस में डेवलप हो, जैसे कि उनकी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने लोकल कल्चर से प्रभावित हुई, लोकल कल्चर वहाँ के नेचर से प्रभावित है, प्रकृति से, और नेचर पर प्रभाव है वेदर का, क्लाइमेटिक कंडीशंस का। ठीक यही क्लाइमेट है जो भारतीयों को एक करने का भी काम करता है, जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ है मानसून। देखिए, पूरे भारत भर में जो वर्षा का आधार बनता है बहुतायत यानी कि मेजॉरली जो वर्षा का आधार बनता है वो मानसून बनता है। एक ही समय में भारत में मानसून का ऑनसेट होता है और एक ही समय के दौरान भारत से मानसून चला जाता है। अलग अलग जगहों पे थोड़ी अलग अलग डेट्स पे मानसून आता है, ये बात सही है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए ओवरऑल जनरल सेंस में तो ऑनसेट ऑफ द मानसून इज़ अराउंड जून एंड द रिट्रीट यानी कि रिट्रीट ऑफ द मानसून फ्रॉम द कंट्री इज़ समवेयर अराउंड सेप्टेम्बर। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये चार महीने का समय रहता है जब पूरे भारत पे मॉनसून छा जाता है और यही रीज़न है कि पूरा भारत मजबूर होता है इस मॉनसून के प्रभाव के तहत एग्रीकल्चर हेतु। तो भारत एक एग्रेरियन कंट्री है। आप दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम है या उत्तर है, यह सत्य है कि खेती बाड़ी आधार है, भारत एक एग्रेरियन सोसाइटी है। ऐसा नहीं है कि आप सऊदी अरेबिया में हैं या आप यमन में हैं या फिर आप कतर में हैं और वहाँ पर क्योंकि इस तरह के कोई वर्षा के स्रोत नहीं हैं तो आप या तो पेस्टोरलिस्ट हो जाएंगे या फिर आप कोस्टल ट्रेड में लिप्त हो जाएंगे या तो आप व्यापारी समाज हो जाएंगे जैसे अरब ट्रेडर्स या आप चरवाहे हो जाएंगे। नहीं, इससे अलग है भारत। भारत में ये मानसून है जिसने विवश किया लोगों को कि लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं। That monsoon is very big reason. If you are farmer, if you are doing agriculture, if your society is agrarian, the common reason is that commonness behind the society is the farming community, is the agriculture.
एंड दैट कॉमननेस इज़ ड्यू टू द मॉनसून। और सारे देश भर में एक साथ ऑनसेट होता है और चला भी जाता है, तो आप देखें इसके आगमन पर ही फिर सारा देश इसकी प्रतीक्षा करता है। आज दिन तक हमारा देश इसकी प्रतीक्षा करता है। भारतीय सरकार के बजट में बड़े फेरबदल होते हैं अगर मॉनसून कमज़ोर है या मजबूत है तो सरकार खुश होती है। हमारे शेयर बाज़ार में चढ़ाव आ जाता है अगर इस बार के मॉनसून मजबूत हैं ऐसी खबरें आने लग जाएं। ये माना जाता है बेहतर खेती होगी, बेहतर आमदनी होगी लोगों को, तो बाज़ारों में बेहतर बिकवाली भी होगी। इसी के आधार पर शेयर बाज़ार बेहतर परफॉर्म करते हैं। मॉनसून एक बड़ा आधार है भारत की संस्कृति के पीछे का। तो ऐसे में जो त्यौहार हैं, उत्सव हैं वर्षा के आने पर, वो भी भारत भर में अलग अलग नामों से सेम समय पे मनाए जाते हैं। इसी तरह से फसलों के पक जाने के कट जाने पर त्यौहार सेम समय पर अलग अलग नामों से आते हैं। जैसे कि आप भारत में पंजाब के क्षेत्र की बात करें तो बैसाखी, आसाम की बात करें तो बिहू, और तमिलनाडु की बात करें तो पोंगल। ये सभी के सभी त्यौहारों की एक खासियत है कि आप इन्हें हार्वेस्टिंग सीजन से जोड़ करके देखते हैं, और कारण यही हो जाता है कि सेम समय पर मॉनसून आना और सेम समय पर चले जाना, ये भारत को एक यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। खेती बाड़ी के संदर्भ में, खेती बाड़ी जब इससे जुड़ी है तो फसलों की लगाई, फिर बीच में विश्राम का समय आ गया, फिर जब फसलें बढ़ रही हैं और फिर कटाई का समय आ गया, तो हमारे लोकगीत, लोक नृत्य, हमारे बाज़ार, हमारे पहनावे, हमारा उत्सव मनाने का तरीका, उत्सव का आधार अच्छी फसल, फसलों से आने वाले पैसे और उससे फिर लगने वाली मंडियां और बाज़ार, ये सारा भारत की संस्कृति है। इस संस्कृति के मूल में मॉनसून है, तो मॉनसून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने लगान फिल्म देखी होगी, सारा गांव जो है बहुत ही हताश बैठा हुआ है, एकदम सुन्न है, कुछ भी नहीं है, चारों ओर सभी आकाश की ओर देख रहे हैं। ऐसे में अचानक से कुछ बादलों की कड़कड़ाहट सुनती है और एक गाना शुरू होता है, दैट इज़ घनन घनन घन घिर आई बदरा। द रीज़न इज़ कि वो सब खुश हैं, सब उत्सव मनाने लगे, नृत्य करने लगे। गाना भी इसी से है, नृत्य भी इसी से है, जीवन का आधार ही तो यही है। कारण कि मेघ दिख गए, तो हमारे हमेशा से इमेजिनेशंस में, हमारे लिटरेचरों की बात कर लें, हमारे प्लेज और ड्रामास की बात करें, पोइट्री की बात करें, मेघ का विवरण बहुत है, वर्षा का विवरण बहुत है, बरसात जिसे आप कहते हैं, मूवीज़ के नाम तक, बॉबी देओल की पहली मूवी का नाम बरसात हुआ करता था, है कि नहीं, मूवीज़ के नाम, पॉपुलर कल्चर में बरसात, बरसात के दिन आए, गानों में आप देखिए कितनी खुश हो जाती है हीरोइन जैसे ही बरसात होती है, गाड़ी हो या घर हो, बस बाहर निकल के उसे नृत्य करना है, और हीरो उसे हमेशा अचानक से वहाँ जहाँ दूर दूर तक कुछ प्रबंध नहीं है, कॉफ़ी या चाय के कप के साथ निहार रहा होता है। दैट इज़ द यूनिकनेस ऑफ इंडिया, जब जो आवश्यकता हो वो प्रकट हो जाता है, ये भारत की खासियत है। ये मानसून ही तो है, क्यों बरसात आज भी फिल्मों का विषय बनी हुई है, क्योंकि भारतीय लोगों की जड़ों में है वो, भारतीय लोगों के इतिहास है वो, भारतीय लोगों की विरासत और संस्कृति का हिस्सा है वो। इसलिए लेखनी से लेकर के नाटकों तक, नाटकों से लेकर के मंचों तक, कथा कहानियों तक, नृत्य तक, हर जगह पर आपको मॉनसून नज़र आएगा। इवन उससे जुड़े हुए नृत्य की भावभंगिमाएँ भी हैं, भावभंगिमाएँ भी बनी हुई हैं, बरसात कराने के राग भी हैं हमारे देश में, राग मल्हार बैजू बावरे ने गाया था, तो तानसेन के द्वारा जलाए गए दिए बुझा दिए थे राग मल्हार गा करके, आई बात समझ में। तो ये इतने मजबूत हैं आपके देश में मॉनसून के चर्चे, यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। ओके, इसके आगे पॉलिटिकल फॉर्म, हमारे देश में हमारी जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन है वो भी यूनिफाई करती है देश को। देखिए, एक समय ऐसा हुआ करता था कि देश वैदिक समय के दौरान एक चरवाहे समाज में बटा था, पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी के रूप में एग्जिस्ट करता था। जो वैदिक लोग थे देवर नोमैडिक हर्डर्स, एक जगह से दूसरी जगह तक वो अपने जो मवेशी हैं उनके झुंड को लेकर के चारा चराने के लिए ले जाया करते थे। लेकिन फिर समय आया, ये जो जन हैं इन्होंने कुछ रीजन्स ऑक्यूपाई किए और यहाँ पर रह करके ऋतुओं के ज्ञान के आधार पर सेटल्ड एग्रीकल्चर करना शुरू किया। ये सेटलमेंट्स हुई और इन जनों ने जहाँ जहाँ पर अपने पद यानी कि पांव रखे वो जनपद बने। अब जब जनपद बन चुके हैं, आप सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं, रूल रेगुलेशन होने ज़रूरी हैं, आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ये ज़रूरी है कि डिमार्केशन हो, ये महत्वपूर्ण है कि टेरिटरी होगी, ज़मीनें होंगी,
और फिर अनाज लगाना, काटना, उसे एकत्रित करना, उसको बांटना सभी लोगों के बीच में, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड का ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर करने वाले टूल्स और एनिमल्स का बंटवारा, उनका कंट्रोल, बड़ी तरह के मैनेजमेंट। तो जनपद समय में हमने रूल, रेगुलेशंस और इंस्टीट्यूशंस देखे। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जितना भी बड़ा क्षेत्रफल है, जितने भी बड़े तादाद में लोग रह रहे हैं, चाहे किसी भी तरह की एक्टिविटी कर रहे हों, लेकिन जनपद के रूल रेगुलेशन उन सब के लिए सेम थे। तो एक यूनिफाइड रूल रेगुलेशन सिस्टम की आवश्यकता थी। पॉलिटिकल फॉर्म से ये सिद्ध होता है। समय इसी दौरान, अगर समय को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, अभी जनपदों में ही रहते हैं हम, तो आप सभा और समितियों का जिक्र देखेंगे। लोग सभा और समितियों के माध्यम से जो रूल रेगुलेशन की फॉर्मेशन है, एग्जीक्यूटिव की डिसीजन मेकिंग है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सभा और समितियों में लोगों की हिस्सेदारी थी, जिनके माध्यम से नियम बनाने की व्यवस्थाओं में लोगों की एक हिस्सेदारी आती थी। समय थोड़ी और आगे बढ़ेगा, आपको महाजनपद का समय दिखेगा, यानी कि ये छोटे छोटे जनपद अब बड़े होने लगेंगे, कुछ क्षेत्र अधिग्रहण किए जाएंगे, और 600 से 325 BC के दौरान आप महाजनपदों का दौर देखेंगे, जहाँ से आपने 1500 से 1000 BC के दौरान आपने घुमंतू चरवाहे देखे, द नोमैडिक हर्डर्स, द ऋग वैदिक पीपल। 1000 से 600 BC के दौरान आपने जनपद देखें, 600 से 325 BC के अराउंड आप महाजनपद देखेंगे, द बिग 16 स्टेट्स, द 16 महाजनपद। इस समय राष्ट्र का सिद्धांत भी आ गया। राष्ट्र यहाँ पर यह है कि जैसे समराष्ट्र, सम्राट, तो सम्राट शब्द आपको मिलेगा, द एम्पायर, द एम्पायर, वो राष्ट्र आज के राष्ट्र यानी कि नेशन जैसा नहीं है। वहाँ पर राष्ट्र का अर्थ चक्रवर्ती हैं आप, आपके अधीन समस्त राष्ट्र, समस्त क्षेत्र आता है, तो टेरिटरी का इम्पैक्ट ज़्यादा है। यहाँ पर राष्ट्र का अर्थ अर्थात टेरिटरी, तो नई नई ज़मीनें अधिग्रहण करना, तो ज़मीनों को कब्जाना, ज़मीनों को कंट्रोल करना, ये महत्वपूर्ण हो गया। ऐसे में रूलर एब्सोल्यूट हो गया, और एब्सोल्यूट रूलर के ही रूल रेगुलेशन सब फॉलो करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्षेत्र जितना भी बड़ा हो, उसमें लोग कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हों, उनके लैंग्वेज, उनका कल्चर, कस्टम, मैनर कुछ भी हो, लेकिन वो सभी एक सिंगल एब्सोल्यूट पावर के अंडर हैं, और वो एम्पायर है। तो इस वजह से ये पॉलिटिकल फॉर्मेशन यूनिटी प्रोवाइड करने की बात करती है। आप सभी उस राजा की प्रजा हैं, वो आप उसके अधीन काम करेंगे, उन्हीं के नियम कानून चलेंगे, रेवेन्यू सिस्टम उन्हीं का चलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उन्हीं का चलेगा। इसी समय के दौरान ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े एब्सोल्यूटिस्ट पावर ही एग्जिस्ट करते थे, यही समय है जब कुछ रिपब्लिक्स भी एग्जिस्ट करते थे, कुछ गणराज्य भी एग्जिस्ट करते थे। वो आज के तरह के लोकतांत्रिक गणराज्य तो नहीं होंगे, बट आप उन्हें ओलिगार्कीज की तरह देख सकते हैं, कि कोई एक सिंगल पर्सन ही एब्सोल्यूट पावर बन के नहीं बैठा हुआ, वो एब्सोल्यूट पावर सिंगल पर्सन की बजाय कुछ 10, 20, 40 या 50 लोगों के सर्कल में चली गई है, लेकिन सीमित आज भी वो लोगों तक ही है। ऐसा नहीं है कि आम जनमानस को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दे दी गई हैं। इसे ओलिगार्की सिस्टम कहा जाता है, कि जैसे कि मैं अकेला सारे नियम नहीं बना रहा हूँ, मैं एब्सोल्यूट पावरफुल नहीं हूँ, हम सारी क्लास मिलके एब्सोल्यूट पावरफुल हैं, बस एक से बात ज़्यादा तक चली गई है, तो इंडिविजुअल की बजाय ओलिगार्की हो गई है। बट इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे निर्णयों में, हमारे डिसीजन में सारे जनमानस हिस्सेदारी दे रहे हैं और हम उनके विचारों से प्रभावित हैं। तो ऐसा गणराज्य सिस्टम भी भारत ने उस समय में देखे हैं, ये सिस्टम भी एग्जिस्ट करता था। फिर समय आगे बढ़ा, आपने देखा मौर्य साम्राज्य आया, और उस मौर्य साम्राज्य के दौरान ऑल पावरफुल सेंट्रलाइज्ड पावरफुल सिस्टम यूज़ किया गया, यानी कि सभी शक्तियों को केंद्रित कर लिया गया, सेंट्रलाइज्ड कर लिया गया, और वो सेंट्रलाइज्ड रूल के तहत एक एक्सटेंसिव टेरिटरी मौर्यों ने कंट्रोल की थी। और आप नोटिस कर सकते हैं कि जितनी बड़ी टेरिटरी उन्होंने कंट्रोल की थी, लंबे समय तक अकबर और उसके बाद अंग्रेज़ों की भी ये इच्छा रह गई कि उतनी टेरिटरी हमारे कंट्रोल में रहे, तो फिर उस सारी टेरिटरी तक रूल रेगुलेशन तो सारा मौर्यों का ही चलता था। तो पॉलिटिकली तो अब यूनिफाइड ही रहे, जितने भी टैक्सेस थे मौर्यास के, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था थी, जो भी उनकी एग्जीक्यूटिव हायरार्की थी, वो सारे क्षेत्र में कॉमन थी। चाहे आप वनवासी हैं, चाहे आप किसान हैं, चाहे आप उद्योग धंधे में हैं, या चाहे आप व्यापारी हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, आप किस क्षेत्र में हैं, आप किस मान्यता को, किस धर्म की पालना कर रहे हैं, वो आपकी चॉइस है। आप हिंदू हो सकते हैं, बुद्ध हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, आजीविका हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। बात यह है कि आप एक राजा की प्रजा हैं, और वो मौर्य साम्राज्य है, और आप पर नियम कानून सारे सेम लागू होते हैं।
आगे बढ़ कर के अंग्रेज़ों के समय के दौरान ये पॉलिटिकल फॉर्म और यूनिफाइड फॉर्म में नज़र आई। देश के स्तर पर एक सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी, सिंगल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सिंगल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर एग्जीक्यूट हुआ और इसके तहत पूरा देश इस कॉमन जुडिशरी, कॉमन लेजिस्लेचर, कॉमन एग्जीक्यूटिव सिस्टम के तहत आपस में जुड़ गया। और आज अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, एक रिपब्लिक के रूप में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में स्थापित है, लेकिन ओवरऑल पूरे इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन है और उसी एक कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से सब लोग एक नागरिक के रूप में भारत में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन है इंडिया की, ये भी इंडिया को एक यूनिफाइड कैरेक्टर देने का काम करती है। इस चीज़ को भी आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पर यही चीज़ समझाई गई है कि दैट पॉलिटिकल फॉर्म इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफाइड कैरेक्टर ऑफ द इंडिया। ओके, इसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा पॉइंट, कंटिन्यूटी एंड चेंज हुआ है, वैरायटी एंड यूनिटी हमने की है, और थर्ड बात करता है सेकुलर आउटलुक की। देखिए लिखा हुआ है कि सेकुलर कैरेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर इज़ अ रिजल्ट ऑफ द इंटरमिंगलिंग ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डाइवर्स कल्चरल ग्रुप्स। क्या समझाने की कोशिश की गई है? देखिए कई बार आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो आपके मन में ये विचार आता होगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 25, 26, 27, 28 आपको धर्म की आज़ादी देने की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और जिनकी मदद से आप अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने धर्म के क्षेत्र में विकास करते हैं, धर्म की मान्यताओं का प्रचार और प्रसार करते हैं। यू कैन प्रोफेस योर रिलीजन, यू कैन प्रैक्टिस योर रिलीजन, यू कैन प्रोपोगेट योर रिलीजन। आपके अपने भीतर के साथ संबंध भी बनते हैं, आप डिफरेंट लेवल ऑफ कंसाइंस अचीव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के अधिकार हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या हमारे संविधान के अंदर एक सेकुलरिज्म का संकल्प है? क्या देश इसलिए सेकुलर है, मतलब संविधान निर्माताओं ने अचानक से आकर के देश को ये कमांड दी कि भाई आप सभी को धर्मनिरपेक्ष रहना है, आप सभी को सेकुलर बनना है, तो लोग अचानक से मान गए कि हाँ हम सेकुलर हो जाएंगे? क्या ये ऐसा ही होता है? अगर ये ऐसा ही होता तो वही नेता, वही फ्रीडम फाइटर या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स क्यों नहीं मना पाए उस वर्ग को जिस वर्ग ने पाकिस्तान की मांग की थी? फिर पाकिस्तान भी तो बना था, तो हम क्यों नहीं मना पाए, ये सवाल बनता है। एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेकुलरिज्म का प्रोविज़न रखा ही इसलिए गया है क्योंकि देश की मूल भावना सेकुलर ही थी, देश पहले से सेकुलर था, देश सेकुलरिज्म को ही मानता था, सेकुलरिज्म को ही सपोर्ट करता है, इसलिए कोई और चारा ही नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को, सेकुलरिज्म को ही एक्सप्रेशन देना था कॉन्स्टिट्यूशन की टेक्निकल लैंग्वेज के वाया, इसलिए सेकुलरिज्म का सिद्धांत संविधान में रखा गया, इसलिए आपने उस सिद्धांत को माना भी है। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको कमांड दी और आप मान लें, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये तब माना गया है क्योंकि ये पहले से था, तो संविधान जब बन रहा है तो हमें उसमें एक्सप्रेशन इसको देना पड़ेगा क्योंकि हम मानते हैं और हम सम्मान करते हैं कि भारत की संस्कृति के द्वारा जो स्थापित पद्धति है वो सेकुलरिज्म की पद्धति है और हमने संवैधानिक मान्यता के तहत उसे मान्यता दे दी है। आई बात समझ में? हमेशा से ही आप देखें, चाहे आप पेंटिंग की बात करें, चाहे आप आर्किटेक्चर में स्कल्पचर्स की बात कर लें, मॉन्यूमेंट्स बनाने की बात कर लें, कुछ भी आप राइटिंग्स की बात कर लें, आप लैंग्वेजेस की बात कर लें, लैंग्वेजेस की डेवलपमेंट, और चाहे आप ऋषि मुनि गुरु और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पंथ से जुड़े हुए किन्हीं भी योगी नाथ पंथ सिद्ध किन की भी बात कर लें, आपको आपसी सौहार्द ही सिखाया जाता है, आपको सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस ही सिखाई जाती है, आपको कम्युनल हारमोनी सिखाई जाती है, किसी भी रूप में बैर नहीं सिखाया जाता। और ये चीज़ें हमेशा से हैं, जैसे कि मैं एक तुक ही बता देता हूँ आपको कि एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। तो जब एक नूर से ही सबकी उत्पत्ति हुई है तो ना कोई भला है और ना ही कोई मंदा है, यानी कि ना कोई बेटर है, सुपीरियर है, ना कोई इन्फीरियर है। तो ये किस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है? समानता की ओर। तो ये किस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है? पीसफुल को एग्जिस्टेंस की ओर। और ये किस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है? सेकुलरिज्म की ओर। मानस की जात सभी एक पहचान्यो, तो ये किस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है? कि आप सबको बताया जा रहा है कि द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द ह्यूमन,
आप ह्यूमन को सुप्रीम माने, बाकी जो उसके कल्चरल एलिमेंट्स हैं जैसे आपके हैं वो उसके भी हैं, तो ये भी सेकुलरिज्म की ही बात कर रहा है। आप भारत की पद्धति को जरा ऑब्जर्व करिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि सेकुलरिज्म का महत्व क्या है। तो सेकुलरिज्म पहले से ही था, भक्ति और सूफी मूवमेंट के दौरान इसको और प्रबल बनाया गया, इसको और मजबूत बनाया गया। जब आप सिखिज्म की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं जो दरबार साहिब है, गोल्डन टेंपल है, उसकी नींव मियां मीर के द्वारा रखवाई गई, उन्हीं से रखवाई गई। अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि उनमें अलग अलग संप्रदायों से जुड़े हुए भक्तों की और बाबाओं की, जैसे कि शेख फरीद की और कई भक्तों की बाणियाँ हैं, गुरुओं की भी बाणियाँ हैं। महत्व यहाँ पर यही है कि वो आपको ये बता रहे हैं कि हमारी स्पिरिट क्या होनी चाहिए इंडिया की, किसी भी एक धर्म की स्पिरिट क्या होती है, भारतीयों की स्पिरिट क्या होनी चाहिए। वो स्पिरिट कम्युनल हारमोनी की ओर जाती है, वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की ओर जाती है, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट की ओर जाती है, म्यूचुअल डेवलपमेंट की ओर जाती है, वो किसी को भी डेट्रीमेंटल वैनर में डिटेरिएट करने की ओर नहीं जाती है। बस उसी तरह से ये चीज़ों को समझा हमारे संविधान निर्माताओं ने और संविधान के अंदर वो प्रावधान रखे हैं। तो हमारे देश की विविधता, हमारे देश की डाइवर्सिटी यकीनन ही ये हालात पैदा कर देती है कि देश अगर कुछ हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ सेकुलर हो सकता है। जहाँ डाइवर्सिटी है वहाँ सेकुलरिज्म के बिना जीवन जीना गुजारे लायक हो ही नहीं सकता। अदरवाइज़ कोई भी एक कल्चरल कम्युनिटी है, उसी की पॉलिसीज़, उसका कल्चर कस्टम मैनर, उसकी लैंग्वेज ही नेशनल कल्चर कस्टम मैनर और लैंग्वेज हो जाएगा, और ऐसे में बाकी की सभी विविधताएं उसके भीतर दम तोड़ देंगी और फिर ये राष्ट्र एक अलग राष्ट्र होगा। लेकिन यदि आपको विविधताओं को चेरिश करना है, उनका सम्मान करना है, आपको डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना है, तो आपके पास कोई और चारा ही नहीं है, आपको दो सिद्धांत मानने ही पड़ेंगे। पहला सिद्धांत कि उस राज्य का कोई धर्म नहीं हो सकता, इंडियन स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं हो सकता। तो वही सिद्धांत हमारे देश ने माना है कि इंडियन स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। उसका रीज़न है, देखिए हमारा जो इंडियन स्टेट है, द स्टेट ऑफ इंडिया, ये जिस नेशन को बनाने की बात करता है, ये जिस राष्ट्र को गढ़ने की बात करता है, जिस राष्ट्र के निर्माण की बात करता है, इस नेशन के अंडर, ये नेशन तो एक फाइनल वर्जन है, एक